एक पानी के मायने हरे कृष्णा रटती रही। सर्दी का दिन था, नंदू की काया डिगम गए, नंदू का प्राण निकलवा लगे ना भगवान ने। आधी रात के मायने चेतु यो तो भगवान कृष्ण नारद जी ने बुलवार के नारद जी महाराज आपने दुनिया के मान नजर पसार देखो कोई भक्त दुखी थे। जरा नारद जी कहवा लगे थे भगवान तू तो सारे दिन गाया चलाओ थे न तो सो है न सो पाते मैं कड़े रोना था भक्त। अरे खजर नजर पसार जो नारद जी देख कर देखे तो कुआ के मान एक नंदू लटक गई कि महाराज मैं तो मरवाड़ी तुम मेरे भक्त नहीं करना चाह रहा मैं तुम सो जाओ थे तो के नहीं यार नंदू का प्राण बचाना था। अरे अटल भक्ति नंदू की आरत ठेठ पुगाई, श्री कृष्ण जाग गया भाई नारद को बुलवाई कि नारद को बुलवाई दंडवत करे बारंबार। काची नींद में क्यों जाग गया भगवान कहते करतार। हे भगवान आप कहीं बोल कर सके के बाद नंदू तो मरवाड़ी थे तो देखो नारद जी और भगवान नंदू के नार नंदू से काई बात करी थी। कले बेटे मैं आपको तूने और तू बारह निश्रिया थारो मंत्र पूरोगो मैं खुद कृष्ण आ गो के भगवान थे शंकर भगवान आवे थे रामचंद्र जी मन तुम्हारा गुरु जी आर खेला जदि भी बोली। अब नारद जी रूस के बलो कहते भी इनका गुरु ने कड़े रे लो अति खे थे भगवान नारद जी ने खबर लगे कोई बात नहीं चालना भी नहीं बे रहा। तो देखो भगवान एक थानादार को रूप बना ले थे और नारद जी सिपाही बन जाए थे। नारद जी का हाथ में डंडो दे देते मोटो सार को और भगवान सिपाही थानादार बने और नारद जी भगवान जी काल में लेके घर आ जाए थे। जाए थे तो काल में पटल नजार के दिल पटल ने आज मोटो टाको मार ले जो गहना कपड़ा फूक पहले और मैं काल में पटेल बाजूंगा तू पटल और पूंगी बजावा लागो दो चार घंटों का नचा था काल बेलन ने और भगवान थानादार का रूप में और नारद जी सिपाही का रूप में ले डंडो हाथ में और काल बेलिया के घर आ जाए। तो घर जाता ही काल बेलिया की नजरिया पड़ गई तो काल बेलिया की नजर पड़ता ही काल बेलिया की पूंगी टूट पड़ जाते और पटल पटलन खोल दे कहते भगवान हे पति देव कहता आज तो कपड़ा पहरा जी और आज ही खुला वाला का मैं तो बोल घर कहते पटलन खोल दे बहुत बुरी आप बता की। तो देखो काल में लो पटल कपड़ा खोल दे पटल थानादारिया कपड़ा खोल दे पटल थानादारिया।